बिहार में बागेश्वर धाम के आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री के कार्यक्रम का बुधवार को अंतिम दिन है। बागेश्वर बाबा पर लगातार राजनीतिक बयानबाजी का दौर अब लगभग शांत होने को है, लेकिन इस बीच बिहार की सियासी गलियारों में नया मुद्दा उठ गया है। पक्ष विपक्ष के नेता अब मटन चावल के मुद्दे पर भिड़ गए हैं। मामला जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह द्वारा मटन चावल के भोज के आयोजन से जुड़ा है, जिसको लेकर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने जमकर निशाना साधा है। जनता दल यूनाइटेड तब एक अनोखी पार्टी बन गई है, जो आजकल मटन चावल शराब ये बांटने का काम कर रही है। अब जिस पार्टी में, नीतीश बाबू की पार्टी में यदि शराब बंटता हो, मटन बंटता हो, मटन और चावल की व्यवस्था हो, तो लोकतंत्र के लिए इससे बड़ा शर्मसार क्या होगा। आज तक किसी पार्टी ने कभी भी सार्वजनिक तौर पर मटन चावल की और शराब की व्यवस्था नहीं किया होगा। यह जनता दल यूनाइटेड अनोखी पार्टी है जिसने सार्वजनिक तौर पर खुले मन से नीतीश बाबू के नेतृत्व में शराब, मटन और चावल की व्यवस्था किया कि हमको वोट दो, हम ये व्यवस्था करेंगे। अब सोचिए कितने नीचे स्तर पर जनता दल यूनाइटेड जा चुकी है। अब देखिए, पता नहीं लोग क्या क्या कर रहे हैं और क्या क्या अफवाह हो रही है और क्या क्या लोग बोल रहे हैं कि ये मटन भात किस खुशी में खिलाते चल रहे हैं। कई तरह के लोग शंका व्यक्त कर रहे हैं, मटन भात के नाम पर वहाँ लोगों को पीटा भी जा रहा है और कह रहा है कि जब मटन नहीं मिल रहा है तो किस किस का मटन खिला रहे हैं। कुछ लोग तो हंसी में ही कहे कि से यहाँ तो शहर से कुत्ते भी गायब हो गए। अब ये सब क्या बिहार का माहौल बनाना चाहते हैं, बिहार को हंसी का पात्र बनाना चाहते हैं। हमने तो कहा कि इसका उच्च स्तरीय जांच कराइए, हजारों हजार की संख्या में आप किस खुशी में खिला रहे हैं। लोग को ये बात समझ में नहीं आ रही और लोग पिटा भी रहे हैं, उसका वीडियो भी वायरल हुआ है, लोग देख भी रहे हैं। तो इस पर तो जवाब देनी चाहिए उनको और सरकार को संज्ञान भी लेनी चाहिए। जो लोग इस तरह की बात करते हैं उनको अच्छी तरह से पता है कि ये हमारा संस्कृति है कि हम कोई भी राजनीतिक भोज होता है तो कार्यकर्ताओं को आमंत्रित करते हैं, भोज में खिलाते हैं। ये प्रेम है, ये भाव है। जो इस भाव को नहीं समझ रहे हैं तो वो इसी तरह की बात करेंगे। भाजपा क्या जानेगी खाना खिलाना और भोज देना। भारतीय जनता पार्टी को इन सब चीज़ों से दूर दूर तक। तो मैंने कहा था कि दारू तो मेडिकल टेस्ट हो जाए, सारे लोगों का तो हो नहीं सकता है, लेकिन जदयू के जिला पदाधिकारी और जो भोज के आयोजन करता है उन लोगों का मेडिकल टेस्ट हो जाए, उससे दारू का पता चल जाएगा। और ये जांच का विषय है, अगर कुत्ता गायब हुआ है तो जांच करावे। विजय बाबू को भी तो लोगों ने कहा होगा, तब विजय बाबू बोले। अरे कौन कहता है, कलेजा में दम है तो क्यों नहीं टोल फ्री नंबर जारी है 1-8-8-5-3 पर क्यों खबर नहीं किया, और सीधा कॉल मोबाइल डिटेल जारी करो। कब आपने जिला प्रशासन को खबर किया, कब उत्पाद विभाग को खबर किया? अगर नहीं किया है तो इससे बड़ा कोई अपराध राजनीति में नहीं हो सकता है। पिछड़े और अति पिछड़ा और दलित को आप कह रहे शराब के नशा में रहता है, ये तो सीधा अपमान है। और मैं यह कहना चाहता हूँ कि अगर मोदी और शाह का भी नशा लगा हुआ है, CBI का नशा लगा हुआ है, तो बिहार की जनता नशा फाड़ देगी।